आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से शहर भर में मनाया गया। शहर में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर रावण परिवार के पुतलों का दहन किया गया। इसे देखने के लिए इन स्थानों पर करीब 2 लाख पुरुष, महिलाएं और बच्चे एकजुट हुए। राजनीतिज्ञ और संगठनों के पदाधिकारी इन उत्सवों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हर बार की तरह इस बार भी जेल चुंगी रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंच, रावण दहन और दशहरे मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी राजधानी रत्न से सम्मानित श्री बुद्ध प्रकाश ने गणेश पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। पुतलों के दहन के समय भारी आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा आसमान सतरंगी दिखाई देने लगा। दशहरा स्थल पूरी तरह से मेले का स्वरूप ले चुका था। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर बच्चों के खिलौने आदि भारी संख्या में बेचने वाले दुकानदार मौजूद थे। सबसे पहले तो हम दशहरा पर्व की सारी जनता को, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उसके बाद हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी ने असत्य पे जो है सत्य की विजय पाई थी, इसी तरीके से सत्य पर विजय पाए और सत्य पर ही सत्य के रास्ते पर चले। नवरात्र की प्रथमा 29 अक्टूबर से शुरू रामलीलाओं में राम के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए रामलीलाओं में रावण का वध किया गया। इससे पहले संगठनों द्वारा राम और रावण की रामलीला मैदानों में भीषण लड़ाई हुई, जिसके बाद राम और मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से पुतलों में आग लगाई। दिन भर रावण दहन स्थलों पर मेले लगे और बच्चों और महिलाओं ने खिलौनों और अन्य सामान की खरीदारी की। रावण दहन पुतलों में अलग अलग पार्टियों से नेता भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को असत्य के रास्ते को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने की बात कही। जैसे श्री रामचंद्र द्वारा हमेशा सत्य के मार्ग का पालन किया गया और रावण दहन करके रामचंद्र जी ने सत्य के प्रति किस तरीके से सत्य का अनुपालन किया, ये भी उन्होंने खूब सिखाया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महावीर सिंह, सत्यपाल काजीपुर, सुरेश प्रधान आदि लोग भी मौके पर मौजूद रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी ही और खबरों को लेकर। नमस्कार।